बीएसटीसी के जितने भी विद्यार्थी उनका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास के साथ साथ में यूट्यूब पे भी लाइव हैं, तो दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्लास के विद्यार्थी भी ध्यान देंगे और आप लोग भी इस क्लास पर पूरा ध्यान देंगे। ऐसी क्लासेज जब होती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो का वो यूट्यूब पर भी होता है। तो जो विद्यार्थी हमारे से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। सीधे हम अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। हम सदृश्यता पर चल रहे थे, ये दूसरा भाग है उसका। जो चीज़ हमने पढ़ी उसमें से जो चीज़ समान होती है उनको छांटना है, थोड़ा सा उसमें से भिन्नता अगर कोई उससे संबंध दिखा रहा है तो उसको अपन अलग करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कुछ लोग स्टूडेंट नए हैं तो वो भी ध्यान दें। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास में सब चीज़ें सेम हैं, वो कहे आपको कि सोने का संबंध है ठोस से, जो गोल्ड है वो सॉलिड है, और वो पूछ ले अगर आपसे ऐसा ही कुछ दूसरा भाग इसका, जैसा कि इसने पूछ रखा है, उसने कहा कि स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है उसी तरह पेट्रोल का संबंध किससे होगा, ईंधन से, द्रव से, कार से या तेल से? पेट्रोल या पेट्रोलियम का संबंध किससे होगा, पेट्रोलियम का संबंध किससे होगा? ये कह रहा है कि क्या द्रव से होगा, ईंधन से होगा, कार से होगा, और एक विकल्प और दिया है इन्होंने और वो है तेल से। कौन सा सही जवाब होगा, कौन सा सही लग रहा है आपको? ईंधन। किससे संबंध से होगा? ईंधन से। क्योंकि देखो सोना जो है ईंधन से कैसे होगा भाई? द्रव से होगा। सोना जो है वो ठोस है ना, सोना जो है वो ठोस है। सोना एक प्रकार का तत्व है और उसकी ये ठोस उसकी क्या है, अवस्था है। क्या है उसकी अवस्था है। और पेट्रोलियम जो है ये एक प्रकार का पदार्थ है ये भी, और इसकी अवस्था कैसी है, तो द्रव अवस्था होगी है ना, तो द्रव होना चाहिए ना कि इसका ईंधन होना चाहिए। द्रव सही जवाब है, ठोस जवाब नहीं है, ये ईंधन जवाब नहीं है, द्रव सही जवाब। ईंधन तो पेट्रोल है, जल रहा है, इसलिए ईंधन कह रहे हैं अपन। बाकी इसका सही जवाब क्या होगा? द्रव। नेक्स्ट लिखेंगे अपन, उतार लीजिए इसको। एक इन्होंने कहा है कि फल अगर केला है, फल क्या है, फल दिया है, फिर इन्होंने लिखा है केला, चार डॉट लगाने के बाद लिखा है स्तनधारी, फिर दो डॉट लगा के खाली जगह छोड़ दी, और विकल्प दिए हैं इन्होंने अपने को चार, सांप, पशु, शेर और गोरैया। सांप दिया है, एक पशु दिया है, एक आपको शेर दिया है, और एक आपको चौथे नंबर पर दिया है इन्होंने गोरैया। कौन सा सही होगा? ये गोरैया चिड़िया है। सर पशु। सोचिए सोचिए, ऐसे जवाब मत दीजिए। देखिए पहले समझ लीजिए, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको ध्यान है, जिनको साइंस बैकग्राउंड नहीं उनका थोड़ा ध्यान। देखो फल जो है वो क्या है, केला है। फल क्या है, केला है ना। तो स्तनधारी क्या है? देखो फल बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे फल हैं। एप्पल है वो भी आपका एक फल है, बेर है वो भी एक फल है ना, केला है वो भी एक फल है, संतरा है वो भी एक फल है, तो ये तो बहुत सारे फल हैं। इन बहुत सारे फल में से एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो दिया है वो क्या दिया है इसने, केला दिया है। बहुत सारे फल में से एक उत्तर जो दिया है वो क्या दिया है उसने, केला। ठीक है, तो स्तनधारी तो बहुत सारे हैं है ना, उसमें से कौन सा स्तनधारी, अभी अपने को स्तनधारी पता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। स्तनधारी नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिख लो, याद रहेगा। स्तनधारी के लिए वे सजीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे सजीव जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने का मतलब क्या हो गया, या बच्चे को ही जन्म देंगे, अंडे नहीं देंगे, अंडे नहीं देंगे, बच्चे को जन्म देंगे, और बच्चे को जन्म देने के बाद में भी क्या होगा, बच्चे को क्या पिलाने देता है,
सांप उत्तर नहीं हो सकता। गोरैया चिड़िया होती है, वो भी अंडे देती है। ये पक्षी वर्ग का सदस्य है, ये सरीसृप वर्ग का सदस्य है, रेप्टिलिया वर्ग का सदस्य है। पशु, अरे पशु कौन सा है ना, पशु कौन सा, पशु तो फल जैसा हो गया, पशु तो फल जैसा शब्द है, बहुत सारे पशु होते हैं, पशुओं में कौन सा पशु, और शेर, आपने सुना होगा अगर शेर का दूध पिया है या शेरनी का दूध पिया है, शब्द सुना है, इसका मतलब क्या हो गया, शेर इसका उत्तर सही है। तो आप उतार लीजिए नोट के साथ में, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुत्ता, गिलहरी और पूंछ, इसको मिटा दो, ऊपर वाले को मिटा दो, कुत्ता है, गिलहरी है और उनके साथ में पूंछ है, कुत्ता गिलहरी और पूंछ, ये इन्होंने प्रश्न में दिया है। और अब क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो कह रहा है कि उसका उत्तर होगा कमरे, झोंपड़ी और महल। पहला ऑप्शन दिया उसने कमरे, प्रश्न संख्या 3 है, झोंपड़ी और महल, ध्यान से देखना इसको, समझने की कोशिश करना। दूसरा विकल्प इन्होंने साथ में दिया आपने को, मछली, मगरमच्छ और पानी, मछली, मगर और पानी। तीसरा विकल्प इन्होंने दिया है आप लोगों को, घोड़ा, बैल और सिंह, घोड़ा है, बैल है और सिंह है। जबकि चौथा विकल्प इन्होंने दिया है अपने को और वो दिया है स्कूटर, ट्रक, स्कूटर और गियर, ट्रक दिया है, स्कूटर दिया है और गियर दिया है, कौन सा सही होगा, दिमाग लगाइए। इनमें से कौन सा सही हो सकता है, कौन सा आपको सही लग रहा है, लास्ट देखते हैं। चलो नहीं देखो, कुत्ता गिलहरी दोनों स्तनधारी हैं, कुत्ता और गिलहरी दोनों स्तनधारी है और दोनों की पूंछ होती है, क्लियर है, ये बात समझ में आती है। कुत्ता और गिलहरी दोनों स्तनधारी हैं, दोनों सजीव हैं और दोनों की क्या होती है, पूंछ होती है। ये देखिए कमरे, ठीक है बहुत सारे कमरे, झोंपड़ी, ठीक है बहुत सारी झोंपड़ी हो सकती है, ये दोनों सिमिलर ही है यहाँ तक तो, लेकिन महल नहीं हो सकता। अगर वो दे देता कमरे, झोंपड़ी या कमरा, झोंपड़ी और किवाड़ तो सही हो जाता, क्योंकि हर कमरे में किवाड़ होता है, हर झोंपड़ी में भी किवाड़ होता है, जिस प्रकार से हर कुत्ते में पूंछ होती है, हर गिलहरी में भी पूंछ होती है, बात समझ लो। मछली, मगर और पानी, ठीक है मछली पानी में रहती है, मगर भी पानी में रहता है, लेकिन पानी मगर और मछली के पीछे लग नहीं रहा है पूंछ की तरह, उसका पार्ट नहीं है उसमें, तो मछली और मगर रह रहे हैं, रहने की तो बात इसने करी नहीं, इसने तो पूंछ दिया है, ये नहीं हो सकता। घोड़ा, ठीक है बैल, ठीक है और सिंह, ये समझ में आ रहा है, लेकिन घोड़े और गधे के सिंह नहीं होते हैं, है ना, आधे लोग यहाँ पर घोड़ा दिया हुआ गधे बन जाएंगे, घोड़े और गधे के क्या नहीं होते हैं, सिंह नहीं होते हैं, तो घोड़ा दे तो दिया पर घोड़े के सिंह कहाँ होते हैं, घोड़े के ऊपर सिंह नहीं होते ना भाई, कान होते हैं वो, तो सिंह नहीं है, अगर सिंह है ही नहीं तो घोड़ा उससे मेल खाएगा क्या, नहीं खाएगा, यहाँ पर तो कुत्ते के और गिलहरी दोनों की पूंछड़ी थी, इसके कहाँ है, नहीं। ट्रक, स्कूटर और दोनों में गियर होते हैं, हाँ ये अलग से उसका भाग है और भाग दोनों में होता है, ट्रक, स्कूटर और गियर, बिल्कुल सही जवाब, लिख लीजिए, कंप्लीट है।
अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसको अपने दिया है इसने, किसी पक्षी के लिए आवश्यक है आकाश, हवा, दाना और पंख। थोड़ा सोच समझ के उत्तर देना। किसी पक्षी के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? एक तो इन्होंने पहला विकल्प क्या दिया है, हाँ पहला इन्होंने दिया है आकाश, हवा, दाना और आकाश, हवा, दाना और पंख। क्या उत्तर सही होगा और क्यों, कारण भी देना मेरे को। आवश्यक है कौन सी चीज़ पक्षी के लिए बहुत ज़रूरी है? पक्षी होना उसका गुण है, किस चीज़ के बिना वो पक्षी नहीं है, यूँ समझ लीजिए। बिल्कुल, पंख के बिना तुम उसे पक्षी थोड़ी कह सकते हो। अगर किसी के पंख, दाना वो खाता है ना, हवा सबको चाहिए, पक्षी को भी चाहिए, दाना उसके लिए भी है, आकाश सबके लिए है, लेकिन पक्षी पक्षी कब बनता है, जब पंख होता है। पक्षी पक्षी कब बनता है, जब पंख होता है। एक प्रश्न और देखिए, अगर वो आपको दे दे बाज, वो आपको दे दे चील, आपको दे दे कबूतर और आपको दे दे वो शुतुरमुर्ग, निम्न में से कौन सा वी जाती है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बाज है, चील है, कबूतर है और शुतुरमुर्ग। कौन सा सही लग रहा है आपको? हो सकता है, मुख्य गुण लिखिए पहले तो, मुख्य गुण देखिए कि कौन सा गुण ऐसा है जो पक्षी होने पे नाज है उसको। बाज सबसे ऊंचा उड़ता है, चील और बाज दोनों लगभग सेम ही है तो एक ही बात है, कबूतर भी उड़ता है ना, लेकिन वैसा शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, दौड़ता है। इसके पंख अल्प विकसित होते हैं और यह दौड़ने के काम करता है। सबसे बड़ा अंडा भी कौन देता है? शुतुरमुर्ग देता है। तो ये ध्यान रखना, वो सापेक्ष प्रश्न पूछ रहा। अब तुम जिस पे जा रहे हो कि मांसाहारी नहीं है या है ना, उस पे जाना द्वितीय रीजन हो गया, वो तो सेकंड कारण सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट चीज़ क्या होती है? पंख। पहली चीज़ क्या होती है? पंख। और ये सब कुछ देता आपको और इसके अंदर आपको ये सब एक मांसाहारी गिद्ध डाल देता तब आप कबूतर गिनते। यहाँ पर क्या देता है? वो गिद्ध। ऐसी स्थिति में आप क्या डालते हैं? कबूतर सही होता वो। अगला देखिए, किसी पेन में सदैव होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेन में सदैव होता है, एक पेन है जिसमें हर चीज होती है और वह चीज क्या है? पहला है रिफिल, दूसरा है निब, तीसरा है ढक्कन, चौथा है शाही। कौन कौन सी चीज है? तो पेन जो है उसमें शाही होना जरूरी। अगर किसी पेन में शाही नहीं है तो पेन थोड़ी कहलाएगा, है ना। पेन किस शर्त पे पेन है? क्योंकि उसमें शाही है ना, बिना शाही का पेन कोई काम का नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। किसी सड़क वाहन में वाहन के संचालन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? मिटा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। किसी सड़क वाहन संचालन में, सड़क पर वाहन चलाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? प्राथमिकता है जो है वो, बाकी सारा सही लगेगा, बाकी सभी उत्तर सही दिखेंगे, पर जिसमें आप प्राथमिकताएँ दे रहे हो उसको प्राथमिकता, मतलब प्राथमिकता समझ रहे हो, जिसका मतलब उसके अलावा तो ज़िंदगी संभव ही नहीं है, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, भोजन, पानी, वायु या रक्त, ठीक है, रक्त चाहिए आदमी को, भोजन भी चाहिए आदमी को और
उसके लिए वायु भी चाहिए। लेकिन अगर श्वसन बिल्कुल वायु एक सेकंड के लिए नहीं होगी या थोड़ी देर नहीं रुकी, तुम बिना वायु के कुछ सेकंड या कुछ मिनट जिंदा रह सकते हो, है ना। जबकि भोजन के तो तुम 5-10 दिन जिंदा रह सकते हो। तो प्राथमिकता किसकी हुई? वायु की, श्वसन की, है ना। तो वो जो प्राथमिकता का मतलब क्या हो गया, जो बहुत आवश्यक है उसको लेना है आप, ठीक है। तो इसमें अपन बात कर रहे थे, अभी अपन ने लिया था किसकी आवश्यकता थी, सड़क पर चलने के लिए, किसी सड़क वाहन में संचालन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? पहिया, स्टीयरिंग, सीट या लाइसेंस? पहिया, पहिया जो गाड़ी का पहिया होता है वो पहिया, स्टीयरिंग, ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए, किसी सड़क वाहन के संचालन, वाहन के संचालन में क्या आवश्यक है? चार विकल्प दे रहा हूं मैं, इन चारों में से आपको क्या उचित लगता है? पहला विकल्प इसने दिया है हमको पहिया, गाड़ी में पहिया होने चाहिए। दूसरा विकल्प उसने अपने को दिया है स्टीयरिंग, मतलब आपका वो जो गाड़ी का पकड़ने का हैंडल होता है स्टीयरिंग, वो स्टीयरिंग। तीसरा इसने अपने को दिया है सीट और लाइसेंस। लाइसेंस चार चीजें हैं, इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है और क्यों? लाइसेंस जरूरी है, तीनों पार्ट से वाहन के संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है, अति आवश्यक? लाइसेंस जरूरी है, बाकी गाड़ी आप नहीं चला पाएंगे। मतलब जब आप सीखे गाड़ी चलाना तब आपने तो पहले लाइसेंस लिया होगा, फिर आप गाड़ी चलाना सीखे होंगे। पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी बोलोगे ही किसे जिसमें पहिया हो? अरे यार, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो चार पहिया लगा के बैठ के एक दूसरे को खींचते हैं, उसमें कहाँ स्टीयरिंग है? वो आगे वाला जो दोस्त खींच रहा है वही स्टीयरिंग है, आगे वाला दोस्त खींच रहा है वही स्टीयरिंग है, सब कुछ वही होता है। और पीछे वाला धक्का, जो आदमी धक्का लगा रहा है वही इंजन है, जो छोटे बच्चे खेलते हैं। तो बताओ, पहिया नहीं होता तो गाड़ी होती क्या? वो तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। स्टीयरिंग बाद का मुद्दा है, घुमाना नहीं घुमाना। चार पहिया अगर लकड़ी के ठोक दिए और उसके ऊपर बैठ के भी चले गए, आपने देखे होंगे जो पैर से अपंग होते हैं, है ना, उन लोगों के लिए भी तो समस्या होती है। उनके लिए कौन सी स्टीयरिंग लगा रखी है तुम लोगों ने? वो उसको पाटे को पकड़ के इधर से उधर घुमा लेते हैं। सीट, सीट के बिना भी गाड़ी होती है। सबसे बढ़िया गाड़ी तो बचपन में वो बेरिंग की बनी हुई थी, सबसे मस्त पहली गाड़ी वही थी, है ना आपनी। और लाइसेंस, उसके लिए कहाँ लाइसेंस की ज़रूरत है ना। ये बाकी की चीज़ें जो है, बाकी की चीज़ें हैं वो क्या है, प्राथमिकता तो नहीं दे सकते ना उनको। गाड़ी किसको बोलेंगे? जिसमें पहिया हो, जिसमें पहिया हो वही तो गाड़ी है ना। ये समझना आप, तुम लाइसेंस, तुम्हारे दिमाग में क्या आया, तुम आदर्श स्थिति में चले गए कि पहिया होगा होगा नहीं होगा ये तो सब इसके भाग हैं, लाइसेंस के बिना। अरे हम सबसे पहले, आप सब लोग ही बिना हेलमेट के है ना जाते, नहीं जाते हो बिना लाइसेंस के, है ना। ये उस समय विचार नहीं आता है, जब पढ़ रहे होते तब विचार आता है, हाँ भाई लाइसेंस भी चाहिए। तो पहिया बहुत ज़रूरी है, इसका सही उत्तर पहिया है। उतार लिया नौटंकी, गरबा, टिप्पणी और रासलीला। रासलीला में कह रहा हूँ श्री कृष्ण के द्वारा रचित, है ना, गरबा जो आप लोग खेलते हो, नौटंकी, नौटंकी भी एक प्रकार की जो हम किसी का मुखौटा पहन के या उसके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, है ना, वो नौटंकी। और टिप्पणी, किसी चीज़ पर टिप्पणी की जाती है उसमें किसी भी प्रकार का नृत्य नहीं है, इन सब में साथ साथ में डांस भी है। आप नौटंकी कर रहे हो उसमें भी थोड़ी बहुत मनोरंजन के लिए डांस है, गरबे में भी डांस है अपने आप में, रासलीला में भी डांस है, उसमें हाथ पैर सब हिलेंगे। टिप्पणी करने में नहीं हिलेंगे, उसमें खाली जीबान हिलती, जीबान हिलेगी, इसने तो अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। टिप्पणी नौटंकी तो स्टेज पे भी होती है। हाँ, स्टेज पे होती है तो यानी क्या हो गया, अगर नौटंकी स्टेज पे हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें आदमी सक्रिय है। टिप्पणी में उसको सक्रिय रहने की जरूरत नहीं हो, उसकी बुद्धि सक्रिय रहेगी, फला व्यक्ति ने ये किया, उसकी ये गलती थी, ये हो जाता तो बढ़िया से बढ़िया खाना बनवा दो, तब भी वो टिप्पणी करने वाला अधिकारी देगा, थोड़ा नून का मुँह थोड़ा तो वो कर ही देगा। तो इसमें टिप्पणी सही है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक चोर के लिए आवश्यक है, एक चोर के लिए आवश्यक है, चोर की बात कर रहा हूं मैं। चोर के लिए क्या गुण होना बहुत जरूरी है? पहला विकल्प आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं, एक चोर के लिए आवश्यक है, एक तो है जादू। चोर के लिए क्या आवश्यक है? सोच समझ के उत्तर देना। चोर कह रहा हूं, जादू होना, जादू टोना करके वो जीत ले। कायरता, क्या चोर कायर होते हैं? क्यों, कायरतापूर्ण कार्य तो कर रहे हैं, चोरी करना तो कायरता ही हुई, सोचिए जरा। संपूर्ण, यहाँ संपूर्ण था पूरी प्लानिंग मतलब। और चौथा है संकल्प, एक चोर के लिए क्या संकल्प जरूरी है? कौन सा सही लग रहा है आपको? देखिए जादू चोर नहीं करता, तांत्रिक का काम है, ये तो नहीं हो सकता। कायरता होती अगर चोर में, भले काम कायरता का कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा चोरी करना, लेकिन बेचारा बड़ी बहादुरी से किसी के घर में घुसता है तो मतलब कायर तो वो नहीं है, है ना। दूसरे के घर में घुसना, हम हमारे घर के अंदर अगर लाइट नहीं जलती होती तो तुम लोग घुसते नहीं हो घर में, है ना, मोबाइल का टॉर्च जला के घुसते हो, ये तो बिना लाइट के भी घुसता है, तो कायरता तो नहीं है। संपूर्णता, प्लानिंग तो वो करता है, संपूर्णता भी हो सकती है, और संकल्प, उसने संकल्प भी ले रखा होता है। तो बताओ इन दोनों में से आपको अड़चन पैदा हुई, कौन सा सही होगा? संकल्प होगा तभी वो प्लानिंग करेगा, पहले वो संकल्प करेगा मैं चोरी करूंगा और चोरी भी जोरदार वाली करूंगा, है ना। तो चोरी करने का वो क्या लेता है? सबसे पहले संकल्प लेता है। हालांकि चोरी करना गलत बात है, तुम लोग संकल्प मत लेना। तुम लोग संकल्प किस चीज का लोगे? मैं BST से मैं पास होके बताऊंगा, बताऊंगी, है ना। तुम लोग भी संकल्प ले लो, फिर संपूर्णता के साथ में तुम क्या करो, प्रयास करो, कायरता को दूर कर लो, फिर जादुई तरीके से तुम जीत जाओगे, है ना। और दुनिया तुम्हारे पास में सबसे पहले पड़ोसी से पूछेगा, क्या मासा बन गए हो क्या? और अगर मान लो BSTC में लुढ़क गए नंबर नहीं आए, तो सबसे पहले पड़ोसी से पूछेगा, कई मार साहब सिलेक्शन नहीं हो? उस समय यूँ नहीं कहेगा वो आपको कि क्या बेटा सिलेक्शन नहीं हो गया, मार साहब कहीं सिलेक्शन नहीं हो, ये रीत है। चलिए साहब, जले पे नमक छिटकना मुहावरा है। चलिए साहब अगला एक और प्रश्न लेते हैं, आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया। बालक, परिवार, बछड़ा, बालक है एक, परिवार है, और यहाँ पर फिर चार छोड़ के बछड़ा आ रहा है, समझ रहे हो आप लोग? क्वेश्चन है बालक, परिवार, बछड़ा का संबंध किससे होगा? चार विकल्प दे रखे हैं अपने पास में और चारों विकल्प इस प्रकार से हमारे सामने हैं। पहला है गौशाला, दूसरा है झुंड, तीसरा है गाय और चौथा है हमारे पास में टोर। गौशाला पहला विकल्प, दूसरा विकल्प उन्होंने हमें दिया है और दूसरा विकल्प है हमारे पास में झुंड, तीसरा विकल्प दिया है गाय और टोर। क्या सही जवाब होगा उसका भाग, क्या सही होगा? देखो बालक परिवार के साथ रहता है, पूरा परिवार उस बालक को गाइड कर रहा है, पूरा परिवार क्या कर रहा है, उस बालक को गाइड कर रहा है। बिना परिवार के बालक कुछ नहीं है। उसी प्रकार
बछड़ा जो है गाय, देखो यहाँ पर अगर माता पिता होता परिवार की जगह तो हम उत्तर लिखते गाय को। माता होती अगर बालक की तो बछड़े की होती गाय, पर परिवार दे दिया। अब झुंड किसका, गाय भैंसों का झुंड है, गधों का झुंड है, किसका झुंड है, इंसानों का झुंड है। खाली झुंड दे देना विकल्प सही नहीं होता। देखो झुंड किसका, तो गौशाला, पर यहां पर पर्टिकुलर झुंड लिख दिया, खाली झुंड लिखा हुआ, किसका झुंड, किसका झुंड, मेरी बात समझ रहे हो। गौशाला अपन कह रहे हैं तो गौशाला गायों की जहां शाला है, गाय रहती है, गायों का झुंड है, गायों का झुंड है, गौशाला उसी को कह रहे हैं, तो बछड़ा उसी के अंदर ही रहा। लेकिन खाली झुंड, अब कुत्तों का झुंड, गधों का झुंड, किसका झुंड, खाली झुंड तो पुत्र नहीं हुआ ना। मैं तुम्हें यूं कहूं, मान लो नारायण कि नारायण रहता है परिवार में, उसी प्रकार से गधे रहते हैं झुंड में, किसके झुंड में, गधों के झुंड में, तो उत्तर सही हुआ ना। पर्टिकुलर यहां पर अगर गाय का झुंड लग जाता या गोवंश लग जाता, क्या लग जाता, गोवंश, ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं सही है, बाकी हम नहीं कहेंगे सही। बात समझ में, गोवंश तो उसने दिया ही नहीं अपने को, तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी कि गौशाला सही जवाब होगा। ठीक है, तैयार है आप लोग अगले प्रश्न के लिए। पक्षी का उड़ना और मछली का तैरना, ये मामूली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों पे हम अटकेंगे नहीं, है ना। पक्षी उड़ता है और मछली जो होती है वो तैरती है। चलिए, एक अच्छा प्रश्न है, वो है युद्ध और मृत्यु, मिटा दो इसको, युद्ध और मृत्यु, यानी कि युद्ध का संबंध वही है जो मृत्यु होता है, युद्ध और मृत्यु। युद्ध लिखा मैंने और मैंने लिखा है मृत्यु। अब इसने बहुत खतरनाक कल्पना कर ली है, और वो खतरनाक कल्पना क्या है सुनिए जरा। धुआं, धुआं का वही संबंध है जो मृत्यु से संबंध है। सिगार, बीड़ी, आग और प्रदूषण, सिगार बीड़ी मतलब ही तो पूछ रहा हूं, आग प्रदूषण, सोचो क्या इसका उत्तर होगा और क्यों इसका उत्तर होगा, परिणाम क्या निकलेगा, दिमाग लगाओ उत्तर मिल जाएगा। दोनों में से एक लगना सही बात नहीं है, मोनिका, दोनों में से एक लगेगा तो वहां पर भी नंबर में से प्लस हो सकता है या जीरो आ सकता है, मतलब सटीक उत्तर आना चाहिए, सटीक। तो युद्ध से क्या होती है, मृत्यु होती है, और धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। देखो धुआं, सिगार, बीड़ी, आग, ये तो उसके उपभाग हैं। सिगार से धुआं हो रहा है, बीड़ी से धुआं हो रहा है, आग जलाओगे तो भी धुआं हो रहा है, लेकिन प्रदूषण धुएं से हो रहा है। प्रदूषण किससे हो रहा है, धुएं से हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बनेंगे आपके अंदर BSTC में, और बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे अलग भी नहीं है, और बहुत तरीके से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, है ना। अपनी तो यही उम्मीद रहेगी आप इनमें से अगर प्रश्न आए, इतनी समझ मैंने विकसित करने की कोशिश करी है कि बहुत आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे। जो जो लाइव जुड़े हुए बंदे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि ये कुछ ऐसे BSTC के पॉइंट हैं जिनसे आप बहुत अच्छे ढंग से जुड़ाव रख सकते हैं, और महत्वपूर्ण ये क्लास के साथ में आप लोगों का साथ का जुड़ाव था, जो बच्चे स्टूडेंट साथ पढ़ रहे हैं उन्हीं के कुछ अंश मैंने आप लोगों के लिए लाइव किए हैं, ताकि आप लोग भी एक क्लास के माहौल को जी सकें। और कई बार क्या होता है कि आप किसी काम में व्यस्त हैं और आपको काम करना भी अनिवार्य है, तब हमारी क्लास आपके सहयोग में आती है और आप लोगों के लिए मदद करती है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15-20 हज़ार का मोबाइल लेके घूमने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, लाइक करना है या नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल में हल्का सा विदम है और आपके लिए उपयोगी है, तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक करें ना करें, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि उसे उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जिसके लिए उसका उपयोग हो, ताकि मेरे द्वारा की गई ये मेहनत आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो और उन लोगों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जो लोग हमसे जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बांटा गया ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो अगर उनकी जानकारी नहीं है तो ये ज्ञान भी उनके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो आप जो टेंथ के बच्चे हैं, ट्वेल्थ के बच्चे हैं, या BSTC के बच्चे हैं, या जनरल साइंस वाले लोग हैं, उन तक इस चैनल को पहुँचाने की जिम्मेदारी लीजिए, और जिम्मेदारी वही लेते हैं जो सफलता चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।